नमस्कार दोस्तों, आज इस शनिवार को सुबह दोपहर 12 बजे एक बहुत ही स्पेशल एपिसोड के साथ आए हैं। और ये ऐसा शो होने वाला दोस्तों जिसको देख के वाकई में आपके ज्ञान चक्षु खुलने वाले हैं। ये शो करते हुए मुझे खुद को अत्यंत खुशी हो रही है, क्योंकि मुझे याद है पिछले साल फरवरी के महीने में डॉक्टर पांडे के वाइब्रेशन थेरेपी के प्रोग्राम में हम गए थे देहरादून, और वहाँ पे डॉक्टर एनके शर्मा जी से भी मुलाकात हुई थी, और वो एक नई दुनिया मेरे लिए खुली थी। मर्म चिकित्सा का मैं आपको बार बार बोलता रहता हूँ, और एनर्जी हीलिंग, हमारी बॉडी कैसे वाइब्रेट करती है, किस फ्रिक्वेंसी पे, वो सब चीजें इस आज के शो में हम डिस्कस करेंगे। इट्स गोइंग टू बी एन एक्शन पैक्ड शो, और सबसे मजेदार बात है कि इस टाइम पे तीन चैनल पे ये को स्ट्रीम हो रहा है, डॉक्टर अवधेश पांडे जी के, डॉक्टर एन के शर्मा जी के, और आपके नाचीज अजीत बिसेन के चैनल पर भी। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज के शो में हम आमंत्रित करते हैं दो हमारे महान एक्सपर्ट्स को। डॉक्टर अवधेश पांडे जी नमस्कार, और डॉक्टर एन के शर्मा जी आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। आप दोनों लोग म्यूट हैं सर, तो लेट मी सी कि अगर मैं यहाँ से अनम्यूट कर सकता हूँ आप लोग। यस, आपको अनम्यूट करना मेरा पड़ेगा शर्मा जी अपने आप। मेरा अच्छा, मेरा हो गया हो एक्चुअली गया हो गया हो हो गया। गया। ओके ओके यस, तो सबसे ओके पहले ओके आप लोगों का बहुत नमस्कार धन्यवाद। नमस्कार। आज ये हमने अचानक ही प्रोग्राम आप लोगों ने के साथ ये स्केड्यूल किया, और हम ये बहुत ही स्पेशल 12 बजे का शो लेकर आए हैं। सो पहले तो आप दोनों का धन्यवाद, आप लोगों ने टाइम निकाला। और आज का जो शो है डॉक्टर साहब, हम थोड़ा सा हटके, हमारे दोनों चैनल पे थोड़ा सा हटके, आप तो इस फील्ड के माहिर हैं, तो हाँ जी हाँ जी चूंकि हम आज बात करने वाले हैं रेकी के, तो और आप हैं रेकी के एक्सपर्ट, तो सबसे पहले आपसे ही स्टार्ट करते हैं डॉक्टर साहब, डॉक्टर एन के शर्मा जी। आज तो दोनों लोग हैं, तो मुझे आई हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक। सो डॉक्टर साहब, रेकी जो मुझे पता है कि जापानीज फॉर्म है और हीलिंग टच होता है, ये कॉमन, थोड़ा सा बिल्कुल ले मैन के लैंग्वेज में, बट यू हाँ बीइंग द जी एक्सपर्ट थोड़ा सा हमें बताइए। हमारे दर्शक ऐसे भी जुड़े हैं जो बिल्कुल रेकी के बारे में शायद पहली बार सुन रहे होंगे। हाँ अजीत जी, परमात्मा की हमारे पर इतनी अनुपम कृपा है कि उन्होंने बिल्कुल हर व्यक्ति को अपनी तरह परमात्मा बनाकर ही भेजा है, पर इतनी असीम क्षमताएं शक्तियां हमें देकर भेजा है कि जिससे हमें असहाय होकर संसार में जीना ना पड़े, बहुत ज्यादा बाहर की चीजों पे डिपेंडेंट होना ना पड़े। तो रेकी जो है एक नेचुरल गिफ्टेड पावर है। रेकी का मतलब है, रे मीन्स यूनिवर्सल और की का मतलब है एनर्जी, एक यूनिवर्सल हीलिंग एनर्जी। ये हर आदमी में जन्मजात ईश्वर के द्वारा दी हुई एक अद्भुत क्षमता या वरदान है, मैं ऐसे कह सकता हूँ। तो ये इस क्षमता या शक्ति का उपयोग करके हर व्यक्ति अपनी जीवनी शक्ति का विकास कर सकता है, क्योंकि ये प्राण ऊर्जा है, ये जीवन देने वाली शक्ति है, ये वो प्राण ऊर्जा है। जब हम रात को सोते हैं और सुबह उठते हैं तो हम अपने अपने आप को सॉरी रिचार्ज कर चुके होते हैं। तो वो रिचार्जिंग कैसी हुई हमारी? हमने तो कोई टू पिन प्लग तो लगाया नहीं कहीं पर के जिससे हम 8 घंटे रिचार्ज हो गए रात को। तो हमारे जी बॉडी में जो सूक्ष्म केंद्र है, हमारे आभा मंडल, हमारे चक्र, उनके माध्यम से ऊर्जाओं को हम ग्रहण करते हैं और हमारे हाथों से हम इसको ट्रांसफर करते हैं। तो ये क्षमता, हाथों से प्राण ऊर्जा प्रवाहित करने की ताकत हर व्यक्ति के अंदर नेचुरल निहित है, और इसको कुछ ध्यान की थोड़ी सी क्रियाओं से हम अपने सूक्ष्म ऊर्जा केंद्रों को जागृत करके इन शक्तियों को बड़ी आसानी से हम लोग सक्रिय कर सकते हैं। और एक बार आपके हाथों में सक्रिय हो गई तो जीवन पर्यंत आपके हाथों में एक क्षमता बनी रहती है। फिर आप रोज अपने आप को स्पर्श करके, दूसरों को स्पर्श करके आप जो है उपचार कर सकते हैं। और जब भी आप उपचार करते हैं तो आपके हाथों से अपने आप एक एनर्जी का फ्लो निकलना शुरू हो जाता है, और जितनी देर जानी है ऑटोमेटिक जाती है, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, और हर आदमी इसको फील भी कर सकता है। और ये उपचार की ऊर्जा जाकर उस अंग में जीवनी शक्ति का विकास करती है, और जितनी जीवनी शक्ति हमारा विकसित होती है उतना ही हमारा फास्टेस्ट फास्टेस्ट एलिमिनेशन, फास्टेस्ट सर्कुलेशन, फास्टेस्ट रीजनरेशन,
तो ऑटोमेटिकली जहां जीवी शक्ति का प्राबल्य यानी कि स्ट्रेंथ बढ़ जाती है वहां पर हीलिंग होना स्वाभाविक हो जाती है। इस तरह से रेकी जो है एक सूक्ष्म स्तर पर एक प्रकार से नॉन इन्वेजिव अहिंसात्मक पद्धति है, मैं ऐसे भी कह सकता हूँ, जो हर आदमी इस्तेमाल कर सकता है। और इस क्षमता का उपयोग सिर्फ मानव के तक ही नहीं है, आप पेड़ पौधों को भी एनर्जी देकर उनको भी स्वस्थ कर सकते हैं। एक सूखे पेड़ को हरा भरा करने की ताकत रखती है। आप जानवरों का उपचार भी कर सकते हैं इससे, आप नॉन लिविंग को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, क्योंकि एवरीथिंग इज एनर्जी एंड एवरीथिंग कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय योर थॉट इमोशन एंड एनर्जीज। इस तरह से इसलिए रेकी का जो है ना बहुत वाइड उपयोग है। मैं इसको परम योग या महायोग कहता हूँ, इसलिए कहता हूँ क्योंकि ये हर अणु अणु के साथ हमें जुड़ने की कला सिखाती है। क्यों समझ लो, ब्यूटीफुल। सो आगाज हो गया आज प्रोग्राम का। देखिए दोस्तों, अभी डॉक्टर शर्मा ने बहुत एक ब्यूटीफुल बात बोली कि आपके हाथ में वो पावर है और हर एक हाथ के हाथ में पावर है। और आप लोग जो हमसे जुड़े हुए हैं, मैं और डॉक्टर पांडे हर संडे को प्रोग्राम करते हैं, हमारी कोशिश यही है कि आप लोग घर बैठे ठीक हो। और उसमें एक नया आयाम जोड़ रहे हैं शर्मा जी, बिल्कुल, कि आप खुद अपने हाथों से खुद को ठीक कर सकते हैं। सो दैट्स वाई आज तीनों लोग हम बैठे हैं आपके सामने और ऐसी चीजें लेकर आने वाले हैं आज के शो में, जिसको आप सुन के आप हैरान होंगे और आप खुद इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि लास्ट ईयर से मैं खुद इसमें अट्रैक्ट हुआ हूँ। लेकिन आज का शो है, आज हमारे दो एक्सपर्ट्स डॉक्टर एन के शर्मा जी और डॉक्टर अवधेश पांडे जी, और मैं बैठा हूँ आज, वो लॉन टेनिस का मैच होता है, हम रेफरी की सीट पे, रेफरी की सीट पे कहने के लिए बैठा हूँ, लेकिन मेरा बेस्ट सीट है। दोनों एक्सपर्ट्स के वो जो मेरा दिल कहेगा मैं सवाल पूछूंगा और इस शो का आनंद लूंगा। So, अब आते हैं डॉक्टर पांडे आपसे, आपका क्या विचार है डॉक्टर, आप कैसे डिफाइन करेंगे ये रेकी आपके लगभग, आप क्या बताना चाहेंगे? सर्वप्रथम डॉक्टर एनके शर्मा को नमस्कार, और मैं हमें बड़ी खुशी है कि डॉक्टर एनके शर्मा जैसी हस्ती ने हमें मौका दिया कि हम उनके साथ कोई शो कर सकें। मैं डॉक्टर एन के शर्मा जी ने जो बोला, मैं सिर्फ उसको साइंटिफिक अमली जामा पहनाने की कोशिश करूंगा, बिकॉज हमारे साथ कई डॉक्टर्स, कई लोग ये जुड़े हैं जिनको इन सब के बारे में या तो ज्यादा आइडिया नहीं है, और जो हमारे दर्शक जो नहीं जानते हैं। तो मैं वेदों से शुरू करता हूँ, ये वैदिक विद्या है। जैसे मर्म चिकित्सा एक वैदिक विद्या है जिसको चाइनीज ने अपने हिसाब से एक्यूप्रेशर कहा, जापानीज ने अपने मतलब हिसाब से वो जेन की विधि, मतलब उन्होंने एक प्रेशर विधि डिफरेंट डेवलप की, और कोरियंस ने डिफरेंट डेवलप की। बेसिक विद्या वैदिक विद्या है, उसी तरह रेकी का ये बेसिक विद्या जो है ये वैदिक विद्या है जिसको जापानीज ने अपनी तरह से किया और उन लोगों ने फेमस किया, इसीलिए इसको रेकी कहते हैं, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग। दूसरा ये है कि जिन लोगों को, जो फिजिक्स के स्टूडेंट्स हैं या जो एमएससी या पीएचडी कर रहे हैं फिजिक्स में, उनके लिए मैं बताऊं, जो रेकी है, एनर्जी फ्लो है, तो देर क्वांटम की आपने बात सुनी होगी, श्रोडिंगर का नाम सुना होगा, श्रोडिंगर जिसने क्वांटम और क्वांटम फील्ड्स की सबसे पहली बार बात की, नोबेल प्राइज भी है उनका। तो आप अगर उसको एक स्टेप आगे समझना चाहें तो आपको गीता तक जाना पड़ेगा। मैं ये सब इसलिए बोल रहा हूं कि मैं आई एम ट्राइंग टू कनेक्ट साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी, बिकॉज रेकी इज समथिंग, जब तक आप साइंस और स्पिरिचुअलिटी कनेक्ट नहीं करेंगे, जैसे डॉक्टर शर्मा ने बोला कि आपके हाथ में हीलिंग पावर्स हैं, तो आपने देवताओं को देखा होगा ऐसे आशीर्वाद देते हुए, वो बहुत बड़ी, वो जेस्चर ही बहुत बड़ा जेस्चर है। ये अहम ब्रह्मास्मि, हम भी वो चीज कर सकते हैं, लेकिन आपको अपने आप को पर्ज करना पड़ेगा ताकि आपके थ्रू एनर्जी का फ्लो में कहीं रुकावट ना हो, तब आपकी वो स्थिति आ सकती है जो डॉक्टर एन के शर्मा की स्थिति है। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जैसे गीता में कृष्ण ने क्या मतलब उपदेश दिया, एक ही वर्ड में अगर बोला जाए कि ये जो शरीर है ये तो मिट जाएगा लेकिन आत्मा अमर है,
यही बेसिक है, इसी को घुमा के फिरा के आप जैसे मर्जी बोल लें तो पूरा का पूरा गीता लिख सकते हैं आप, लेकिन बेसिक बात यही है कि शरीर तो वैसे भी नहीं बचेगा और आत्मा अवैध है, उसको आप भेद नहीं सकते। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि दिस इज कंपेरिट, जो लोग फिजिक्स के स्टूडेंट्स हैं वो ये जानते हैं, देयर इज अ क्वालिया फील्ड विच क्रिएट्स यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस इज क्वालिया फील्ड, जो गीता में ये बोल भी रहे हैं कि सब कुछ मुझ ही में है, सब सब आते भी मुझसे हैं, जाते भी मुझ में हैं, वो क्वालिया फील्ड है। क्वालिया फील्ड से कोई चीज अगर बाउंड्री बना के है, जैसे अवधेश पांडे दिख रहे हैं, एनके शर्मा ये दिख रहे हैं, अजीत बिसेन ये दिख रहे हैं, इस क्वालिया फील्ड को आपने अपने स्किन से ढक लिया है तो आप क्वांटम हो गए हैं। तो क्वालिया इज द टोटल फील्ड, क्वांटम इज द क्वांटिफिकेशन एंड यूनिफिकेशन। जो अहंकार है, अहंकार आपको एक रूप देता है, आपको कुछ गुण देता है जिससे आप पहचाने जाते हैं, वो है अहंकार। तो ये दोनों फील्ड, मैं इसलिए समझा रहा हूं कि ये दोनों फील्ड इंटरचेंजेबल हैं और एक दूसरे को ये इन्फ्लुएंस करते रहते हैं, दे को क्रिएट ईच अदर। तभी जाके आप कहीं से अगर एनर्जी का प्रवाह करते हैं तो क्वालिया में सबसे पहले आता है, तब क्वांटम में आता है, दैट इज हाउ वी ट्रांसफर एनर्जी। तो ये मैं जस्ट एक साइंटिफिक पर्सपेक्टिव देना चाह रहा था उन लोगों के लिए जो लोग फिजिक्स से जुड़े हैं या वो जानते हैं क्वालिया फील्ड क्या है या क्वांटम फील्ड क्या है। जो लोग अनइनिशिएटेड हैं, मैं चाहूंगा वो गूगल में जरूर देखें और अपना नॉलेज एनहेंस करें कि क्वालिया फील्ड क्या है, क्वांटम क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, जो मैंने आप बताने की कोशिश की। तभी जाके एनर्जी का प्रवाह ठीक हो पाएगा आफ्टर दिस नॉलेज। जी ब्यूटीफुल डॉक्टर साहब। सो मेरा कहना गलत नहीं था कि इस टाइम मैं जहाँ पे बैठा हूँ एकदम बेस्ट सीट पे बैठा हूँ और सवाल इस हिसाब से पूछ सकता हूँ कि आप लोगों को उस समुन्द्र के उस बिल्कुल उसके क्या बोलते हैं सर, गहराई से आप लोग वो मोती लेकर आएंगे जो दर्शन बिल्कुल नया होगा। सो ये जो आपने क्वालिया और क्वांटम की बात की, सो इसी से मैं आगे बढ़ाना चाहूंगा डॉक्टर शर्मा, कि आप कैसे बताते, कैसे बेस्ड है, डॉक्टर साहब ने जैसे बताया कि ये क्वालिया और क्वांटम पे रेकी बेस्ड है, तो इसको अगर आप कुछ इस पे और प्रकाश डालना चाहेंगे तो। हाँ, बहुत सिंपल सी बात है। देखिए कि अल्टीमेटली अगर हम अपने आप को ब्रेक डाउन कर दें तो हम वास्तव में एक एनर्जी का ही रूप है। वी आर नथिंग बट ए हाईली वाइब्रेटिंग एनर्जी और फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। तो अब आदमी के अंदर एक जो अभी जो सबसे बड़ी क्षमता है वो क्या है मालूम है, कि बाय इंटेंशन ए थॉट ए इमोशन वी कैन कनेक्ट टू एनी एटम और एनी एनर्जी ऑफ दिस यूनिवर्स। ये एक सबसे बड़ी क्षमता मानव की है। इसीलिए जब हम किसी के बारे में सोचते हैं या किसी के या किसी को एनर्जी सेंड करना चाहते हैं या किसी के साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो हमारे इंटेंशन करते ही वो हम उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में आ जाते हैं और फिर हम उसी के साथ कनेक्ट भी हो जाते हैं वास्तव में। तो इसलिए रेकी में भी क्या होता है कि जहां रेकी प्रेजेंटली जितना पावरफुली हम दे पाते हैं उतना ही 100% पावरफुली हमारे हम डिस्टेंस से भी दे पाते हैं। हमारे डिस्टेंस कोई मायने नहीं रखता। हम चाहे पानी चार्ज करें, खाना चार्ज करें या किसी के मन में परिवर्तन लाए या किसी की बीमारी को ठीक करें, तो हम वास्तव में क्वांटम लेवल पर हम उससे एक सेकंड में कनेक्ट हो जाते हैं। ये एक बड़ी अद्भुत बात है और ये तो हजारों प्रयोग हम कर चुके हैं तो इसको अब सिद्ध भी किया जा सकता है, ठीक है जी। हम देखिए कई बार हम YouTube पे ऐसे कार्यक्रम लेकर आते हैं कि 5 मिनट में हम आपको आराम देंगे डिस्टेंस से। हम एक 20 मरीज चुनते हैं और उनको उनकी बीमारी पूछते हैं और 5 मिनट में उनको आराम भी देते हैं, डिस्टेंस से देते हैं। इसका मतलब क्या, हमारे लिए प्रेजेंट डिस्टेंस कोई मायने नहीं रखता। तो इसका मतलब क्या मालूम है कि जैसे अभी हमारे पांडे जी ने बताया यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, तो वी आर एवरीवेयर एंड एवरीथिंग इज हियर ओनली, यानी कि हर चीज यहाँ पर है और हर चीज हर जगह पर भी, संसार में ब्रह्मांड में हम हर जगह पर भी है। इस तरह से रेकी हमारे बहुत बड़े भ्रम को तोड़ देती है।
कि हम केवल एक फिजिकल फॉर्म है, इस भ्रम से हमें बाहर निकालकर हमें ये समझाती है कि वी आर कनेक्टेड विद एवरी एनर्जी ऑफ दिस यूनिवर्स और हम कहीं पर भी अपने भावनाओं से ऊर्जा को भेज सकते हैं क्योंकि इंटेंशन ड्राइव द एनर्जी, ये तो नियम सब जानती हैं। तो इस तरह से, तो इसीलिए आज हम सूक्ष्म स्तर पर हम बहुत कुछ दुनिया में काम कर सकते हैं और जितना हम इसको एक्सप्लोर करते जाएंगे ना तो आपको सिवाय मिरेकल मिरेकल के कुछ नहीं मिलने वाला, इतनी कमाल की चीज है वास्तव में। अमेजिंग, यस। और दोस्तों देखिए, मैंने बताया था कि लास्ट ईयर मैं डॉक्टर पांडे के यहीं जहाँ बैठे डॉक्टर साहब, डॉक्टर थर्ड आई देहरादून, और हम आगे रिवील कुछ करने वाले हैं आज, बहुत अमेजिंग चीज़ आपके लिए। वहाँ पे जाके मेरी आंखें खुली थी जब शर्मा जी ने बताया था कि अपनी कार को रोज सुबह बोलते हैं कि बेटा मेरे को प्यार से लेके जाइयो, आराम से लेके जाइयो, हम खुशी खुशी जाएंगे। और कहते हैं कि ना सिर्फ उनकी कार और सेम मॉडल की कार और लोगों के पास जो है उनसे ज्यादा माइलेज रिपोर्ट इन्होंने खुद नोट किया हुआ है, बल्कि कभी आज तक किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं दी है। तो मुझे पहले बड़ा अजीब सा लगा था कि ये कैसे पॉसिबल है, ये तो बस ये ना बातें हैं। लेकिन फिर जब इन्होंने अपना प्रेजेंटेशन पूरा दिया और जब इन्होंने वो फोटोग्राफ्स दिखाए कि कितना ब्यूटीफुल ऑरा बनता है इवन नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में, और जब मैं बोलता हूँ कि अब कोई भी कॉन्शियसनेस की हम जब बात करते हैं तो मानव जो हम हैं, हम मान लीजिए 100% कॉन्शियसनेस लेवल पर हैं, तो कोई भी दुनिया में ऐसी चीज नहीं है जिसमें कॉन्शियसनेस नहीं है। और वो डॉक्टर शर्मा के पिक्चर्स दिखाते हैं जिसे आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। फिर वो मुझे लेके गया डॉक्टर साहब डबल स्लिट थ्योरी पे कि जब इलेक्ट्रॉन्स को फायर किया जाता है तो उसमें उसका बिहेवियर डिफरेंट होता है जब कोई नहीं देख रहा होता है। इवन जब कैमरा देख रहा होता है, जब कैमरा लगाया गया तो उसका पैटर्न डिफरेंट वे में हो गया। तो ये इतना ब्यूटीफुल फिनोमिना है। सो डॉक्टर पांडे, आई विल गिव द स्टेज टू यू कि ये डबल स्लिट थ्योरी का जो फिनोमिना है, जो इसको टच करेगा रेखी को भी कि हमारा सारा ब्रह्मांड हम एक है और हम सब ब्रह्मांड हमारे अंदर है, तो ये लोगों को थोड़ा सा समझ में आना शुरू हुआ कि हम जो बातें कर रहे हैं वूडू साइंस नहीं, कुछ हम बात कर रहे हैं, ये रियल लाइफ में एग्जांपल्स हैं जो लोगों को समझ में नहीं आ पा रहा। जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम ये बताएं दैट वी हैव ऑलरेडी इंटीग्रेटेड रेकी इनटू इंटीग्रेटेड मेडिसिन। तो हम लोग जैसे कैंसर पेशेंट्स के लिए डॉक्टर शर्मा और मैं, हम लोग एक ग्रुप बना के वी आर टेकिंग अप पेशेंट्स एंड वी आर ट्राइंग कि ये पेशेंट्स को सभी फॉर्म ऑफ हीलिंग से फायदा हो, इंक्लूडिंग रेकी। और जो मेरा देखना है, जो मैं देख पा रहा हूं कि फ्यूचर ऑफ हीलिंग इज एनर्जी हीलिंग। और आप देखें, अगर एनर्जी का प्रवाह का सोर्स समझ में आ गया और उसका कैसे प्रवाह हो रहा है वो समझ में आ गया और इंटरकनेक्टिविटी समझ में आ गई, तभी आप ट्री को हग करेंगे। क्योंकि ट्री को हग करेंगे तो ट्री की एनर्जी आपको मिलती है। आपको अगर ये वैसे ही लग रहा है तो मैं एक, अब मेरी आवाज आ रही है? यस, मुझे आ रही डॉक्टर साहब। अच्छा, तो ये कुछ ऐसी ही बात है। कोई बोल सकता है कि प्रूफ क्या है इसका? तो याद करिए, गौतम बुद्ध बोधि ट्री के नीचे बैठे थे और अपनी पीठ उन्होंने ट्री से सटा ली थी, ट्री ने उनको एनर्जी दिया और तब वो बुद्धत्व को प्राप्त हुए। इसीलिए ये लोग योगी जो जंगल में जाते हैं वो लोगों से दूर नहीं जाते हैं, वो इन संतों के पास जाते हैं। ये ट्री संत हैं, इनसे प्रेरणा लेनी बहुत जरूरी है। इनकी एनर्जी उर्वर्धगामी है, ऊपर की तरफ बढ़ती है, तभी जाके एक एक पत्ता हरा रहता है। और ये नीचे से शक्तियों को ऊपर की तरफ लेके जाते हैं, जैसे हमारी कुंडलिनी का जागरण होता है। और ये स्थित प्रज्ञ बैठे रहते हैं, हवाओं के साथ झूमते भी हैं। तो ये जो योगी इतने हैं जंगल में, इतनी भीड़ है, इसकी एनर्जी लेने जाते हैं, ये हमसे दूर नहीं जा रहे हैं। इसीलिए वसुधैव कुटुंबकम, अगर हमें पता है तो हमें रेकी आपको समझना पड़ेगा कि जब तक आप इंटरकनेक्टिविटी बिटवीन ऑल ऑब्जेक्ट्स लिविंग एंड नॉन लिविंग जब तक नहीं देखेंगे, तब तक ये बात नहीं समझ में आएगी कि रामचंद्र जी के प्राण प्रतिष्ठान के बाद जिसने मूर्ति बनाई थी वो ये क्यों बोल रहा है कि मूर्ति
बिल्कुल बदल गई है, क्योंकि वो एनर्जी का प्रवाह उसमें हो गया है, हमने प्राण प्रतिष्ठान किया है, वी हैव पुट एनर्जी इनसाइड इट, जो शो होगा फिजिकल फॉर्म में। तो ये है, और ये हम लोग जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग के लिए कि रेकी क्या है और इसके मायने कितने बड़े हैं, ये कितना दूर तक इसका व्यापक जो ये परिणाम है हम देख सकते हैं, और ये सभी कुछ संभव है। जस्ट आई एम ट्राइंग टू गिव अ साइंटिफिक पर्सपेक्टिव टू वॉट एवर वी आर डूइंग इन रेकी। जी जी डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि डॉक्टर शर्मा जी ड्रॉप आउट होने आ गए हैं। यस जस्ट अ सेकंड। जी जी मेरी आवाज आ रही है? यस मेरी आवाज आ रही है? यस डॉक्टर साहब, आप आ गए। आ गए डॉक्टर साहब। यस 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 डॉक्टर साहब। हां जी जी जी, तो बड़ी मजेदार बात बताने जा रहा हूं जो सब लोगों को बताना चाहिए कि आज के इस युग में देखिए, जनरली आप देखेंगे कि भगवान की मूर्ति में भगवान नहीं होता, हम उसमें पैदा करते हैं। क्योंकि जब कलाकार एक मूर्ति बनाता है तो हथौड़े मार रहा होता है, उसके दिमाग में नहीं कि भगवान है। वो मूर्ति बनकर व्यापारी के पास आती है तो हजारों शंकर गणपति पुराण में भर के रखता है बेचने के लिए। लेकिन वही मूर्ति जब मंदिर में आ जाती है और उसको हम फिर कहते हैं प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, तो प्राण प्रतिष्ठा कौन करता है? हम ही तो कर रहे हैं ना। तो इसका मतलब है कि वी हैव पावर टू चेंज द एनर्जी इन एनी नॉन लिविंग। आप जरा सोचिए कि, और आपने ये अनुभव इस बार पूरी दुनिया ने अनुभव किया कि ये जो रामलला की जो मूर्ति थी, उस मूर्ति के अंदर वाकई में ऐसा लग रहा था जैसे वो थोड़ी देर में बोल उठेगी। तो ये प्राण प्रतिष्ठा किस है? सारे लोगों की सद्भावनाओं की तरंगे एक नॉन लिविंग पत्थर को जाकर इतना उत्तेजित कर देती है कि उसमें एक ऊर्जा का प्रबल यानी कि स्ट्रेंथ जो है उसके अंदर आ जाता है। तो आप समझ सकते हैं वी हैव पावर टू एनर्जाइज एनीथिंग इन दिस रिवर। आप देखेंगे कि एक गुरु ग्रंथ जो है एक ऑर्डिनरी सा ग्रंथ है, एक बेचने की पेपर वस्तु है और पेपर है जो एक दुकान में पड़ा हुआ है किसी किताब की दुकान में। लेकिन वही गुरु ग्रंथ जब गुरुद्वारे में लाकर रख दिया जाता है और माथा झुका दिया जाता है, भगवान पैदा हो जाता है इस तरह से। तो मतलब मैन हैज द ग्रेटेस्ट पावर कि बाय हिज इमोशन एंड एनर्जी एंड फीलिंग ही कैन चेंज द एनर्जी ऑफ एनीथिंग एंड एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स, चाहे वो खान पान हो, चाहे लिविंग हो, चाहे नॉन लिविंग हो। ये सबसे बड़ी बात है। जी दोस्तों, देखिए इतना मजेदार डिस्कशन, मतलब मेरे को सामने बैठ के आप लोग देख रहे हैं, प्लीज लाइक कर दें। और तीनों चैनल के जो दर्शक हैं, देखिए डॉक्टर उदेश पांडे का चैनल है, मेरा अजीत बिसेन, मैं माइक्रोबायोम पे काम करता हूँ, मेरा चैनल है डॉक्टर एनके शर्मा का, मेरे हमारे सब्सक्राइबर प्लीज जाके डॉक्टर शर्मा के और उनके सब्सक्राइबर, और आप लोग चाहें तो प्लीज, क्योंकि हमारा काम यह है कि हम आप लोग को फ्री ऐसी नॉलेज देते हैं, बार बार यही बात करते हैं कि आप घर बैठे अपना इलाज कर सकें, अपना हेल्थ का कंट्रोल अपने हाथ में ले सकें। तो उसी श्रृंखला में आज हम ये कर रहे हैं, और अभी हम आपको रिवील करने वाले हैं बड़ी इंटरेस्टिंग जो वर्कशॉप होने वाला है, और उसके बारे में आप लोगों को जानकारी देंगे। सो डॉक्टर साहब, आपने डॉक्टर एन के शर्मा जी, जो रेकी पे हम फिर से आते हैं, आपने बहुत सारे मरीजों को अपने हाथों से रेकी के पावर से ठीक किया है। कुछ आधा एक आधा ऐसा इंटरेस्टिंग केस, क्योंकि इसलिए आपके पास आ रहा हूँ केस स्टडी के लिए, कि कई क्या होता है डॉक्टर साहब कि कई लोग डॉक्टरों से 10 साल 20 साल 30 साल तक परेशान होकर घूमते रहते हैं, और इलाज भूल जाइए उसमें उसके उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन परेशान जिंदगी पर घूमते हैं। लेकिन आपके पास एक दो सेशन के लिए आए और आपने एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से रेकी के हिसाब से, हम लाइफ प्रोग्रेशन पे भी आएंगे दोस्तों, और वो एक और नई चीज आपको पता लगने वाली जो हमारे दो दर्शकों के दर्शक हैं चैनल के। सो कुछ ज्यादा केस स्टडी आप शेयर करना चाहेंगे इंटरेस्टिंग जो आपकी लाइफ के रहे हैं? हाँ देखिए, पहली बात तो यह कि मैं बहुत ही रैशनलिस्ट टाइप का व्यक्तित्व तो रहा हूँ और आज भी हूँ। बगैर अनुभव और इसके अनुसंधान के मैं किसी चीज को मानता भी नहीं हूँ। रेकी में मेरा बिल्कुल विश्वास नहीं था। जब पहली बार सीखा गया तो मैंने वाइफ को कहा कि तुम सीखो। तो मेरे दिल्ली के कोरोबाग हॉस्पिटल में एक महिला आई जिसको बहुत बड़ा फोड़ा हो चुका था, यानी कि फोड़ा तो समझो एक सेंटीमीटर का था, लेकिन उसकी सूजन कम से कम 4-5 सेंटीमीटर की थी, बहुत बड़ा सूजन थी। उसने कहा सर मैं आज एक्सरसाइज नहीं करूंगी, मुझे बहुत पेन हो रहा है। तो मैंने उसको एज ए नेचुरोपैथ मैंने उसको गाइड किया कि भैया तू थोड़ी मट्टी की पट्टी लगा देना, घर जाके थोड़ा
जूस फास्टिंग कर देना, हल्के आहार पे रहना और सप्ताह भर के बाद आ जाना जब तक दूध ठीक हो जाएगी। अब जानकर के तो उसी समय मेरी वाइफ आई, उसने कहा रुको मैं एक मिनट रेखी ट्राई करती हूँ। तो मैंने उसको पहले तो कहा कि अरे भाई इसलिए तो अभी सप्ताह भर में ठीक हो जाएगी, क्या इसमें इतना रेखी का क्या प्रयोग करना है। तो आके कहा मुझे करने दो, तो मैंने करने दिया। 15 मिनट के अंदर वो जो छोटा फोड़ा था जो 1 सेंटीमीटर का था वो एकदम बिल्कुल छोटा हो गया, सूजन सारी समाप्त हो गई, दर्द बिल्कुल गायब हो गया। और उस लड़की ने 1 घंटा एरोबिक्स हमारे होती थी उस समय, वो करके फिर घर गई। बस इसी इंसिडेंस ने मेरा दिमाग सबसे बड़ा ठनका कि ऐसे कैसे हो सकता है, 15 मिनट के अंदर ऐसा कोई दर्द गायब कैसे हो सकता है। मैंने कहा कुछ तो होगा इसके अंदर। तब फिर मैंने रीकी के अंदर इंटरेस्ट लेना शुरू किया और काम करना शुरू किया। और मैं आज बताना चाहता हूं कि कोल्ड से लेकर कैंसर तक, देखिए सिंपल सा साइंस ये है कि जीवनी शक्ति प्रबल है, वो अंग हमेशा स्वस्थ होता है, जल्दी रिकवर करता है। और अगर जीवनी शक्ति कमजोर है तो व्यक्ति बीमारी के अंदर चला जाता है, यूं समझ लें। तो रेखी एक प्रबल जीवनी शक्ति होने के कारण आज बड़ी से बड़ी बीमारियों में काम करती है। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये सूक्ष्म स्तर पर काम करती है। तो इसीलिए अगर कोई व्यक्ति कोमा में चला गया तो डॉक्टर कहते हैं सॉरी हम उसको कुछ नहीं कर सकते। तो अब एक ही चीज उसको बचा सकती है या उसको एनर्जाइज कर सकती है, सटल लेवल पर एनर्जी दे सकती है, वो है रेखी। तो हमने ऐसे 50 केसेस हैं मतलब हमारे इतने 30 सालों में कि जहां लोग कोमा में से वाकई में बाहर निकले हैं सिर्फ रेखी करने के कारण। और इसी तरह क्लॉट, अगर मान लो ब्लड क्लॉटिंग हो गई और अगर आप तुरंत रेखी कर दो तो वो डिजॉल्व होकर वापस वो जो लकवा का असर आया वो समाप्त हो सकता है, ऐसा भी अनुभव हमारे साथ हो चुका है ऑलरेडी। और दूसरी बात, अगर कोई गर्म गर्म पानी गिर जाए, तेल गिर जाए, तो अगर आप रेखी कर दो ना तो कहाँ जला वो एरिया आप ढूंढ नहीं सकते, इतनी वंडरफुल हीलिंग हो जाती है। कार के दरवाजे में हाथ आ जाए तो आप अगर वो जनरली 8-10 दिन दर्द तो रहेगा, लेकिन अगर आप रेखी जानते हैं तो 15-20 मिनट से ज्यादा दर्द नहीं रहेगा, इतनी वंडरफुल हीलिंग होती है। यानी कि इंस्टेंट अगर कोई 24x7 अगर कोई एनर्जी हमारे पास नेचुरली अवेलेबल है, जब तक डॉक्टर नहीं है मान लो, तब तक रेखी बहुत सपोर्टिव और बड़ी हेल्प करने वाली बन जाती है। हार्ट अटैक अगर मरीज को आ गया और रेखी अगर करने वाला कोई घर में व्यक्ति है तो मर नहीं सकता। कारण क्या होता है, हार्ट अटैक में हमारी मैक्सिमम बैटरी एग्जॉस्ट हो जाती है और अगर थोड़ी बहुत बची है 5-10% तो हॉस्पिटल में जाके रेस्ट करके रिकवर करके आ जाता है। लेकिन अगर उसके अंदर उसी समय अगर आप उसको रेखी कर दो तो अगर 2% भी अगर बैटरी बची है ना, तो जैसे बोलते ना मोबाइल की बैटरी बुझने जा रही थी, मैंने चार्जर में डाला वो तुरंत मोबाइल एक्टिव हो गया, उसी तरह आदमी वापस एक्टिव हो जाते हैं। तो हमारे जो विद्यार्थी है जिन्होंने सीखा रेखी, उन्होंने अपने परिवार में कई हार्ट अटैक के मरीजों को रिवाइव किया सिर्फ रेखी करने के कारण, बता रहा हूँ। इस तरह से इमरजेंसी का बहुत बड़ा टूल है और ये सेल्फ डिपेंडेंसी वाला, अपने आप पे निर्भर करने वाला एक इमीडिएट एनर्जी का बहुत बड़ा टूल है। आप जो समझ गए, ऐसा कमाल है रेखी का वास्तव में। अमेजिंग डॉक्टर साहब। सो और अभी आपने शुरू, जो लोग लेट ज्वाइन कर रहे हैं, डॉक्टर के शर्मा ने शुरू में, आप लोग जाके देखिएगा फिर से, इन्होंने बोला कि आप लोग घर बैठे अपने हाथ से अपना इलाज खुद भी कर सकते हैं, वो पावर रेखी में है। और वो कैसे आप अर्जित कर सकते हैं, हम शो के एंड में उस पर बात करेंगे। लेकिन चूंकि डॉक्टर एनके शर्मा ने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए और कैसे उन्होंने ऐसे केसेस देखा हुआ ठीक होते हुए जो अनबिलीवेबल है, और वाकई में नॉर्मल लॉजिकल जो अभी बोला उन्होंने, उसी स्टेज पे मैं भी था कि जैसे उन्होंने कहा ना कि मैं रेखी वगैरह मैं नहीं, ये क्या है। तो लेकिन जब आप देखते हैं अपनी आंखों के सामने में, और वही जैसे डॉक्टर पांडे को मैं क्रेडिट देता हूँ कि लास्ट ईयर फरवरी में मैं आया था वहाँ पे, और मर्म चिकित्सा और डॉक्टर एनके शर्मा के साथ भी वहीं पे मेरा इंट्रोडक्शन हुआ था और एक नई दुनिया में मैं घुसा हूँ। तो अब डॉक्टर साहब, आप डॉक्टर पांडे से आप, मैं पूछना चाहूंगा, अभी आपने बोला कि आपने इसको इंटीग्रेटिव मेडिसिन में ऐड कर दिया, इसका पार्ट आपके इंटीग्रेटिव मेडिसिन का अब रेखी भी पार्ट है। सो मैं आपका एक्सपीरियंस जानना चाहूंगा डॉक्टर साहब थोड़ा सा। आपने भी बहुत सारे अब ये थर्ड आई में ऐसे केसेस डील कर रहे हैं जो बाहर के नॉर्मल एलोपैथिक डॉक्टर के लिए कई बार कहते हैं कि ये कैसे पॉसिबल हुआ, तो थोड़े से आपसे भी मैं जानना चाहूंगा कुछ केस स्टडीज के बारे में। जरूर। तो ये एनर्जी हीलिंग जो है, ये बेसिकली आपको मैं अगर लेमैन की तरफ, पहले तो मैं ये बोलूंगा कि जितनी भी
वैसे मुझे ये टर्म ठीक नहीं लगता है, लेकिन लोगों को एड्रेस करने के लिए, समझने के लिए, हाउस वाइव्स, मुझे लगता है उनको दुर्गा कहना चाहिए। हाउस वाइव्स नहीं है वो, दुर्गा है। दुर्गा शक्ति का नाम है, और वो ऐसी शक्ति है कि उनका बेटा अगर ट्रबल में है तो दुर्गा ऐसे करके उठा लेती है उसको, हस्बैंड ट्रबल में है उसको निकाल लेती है, पूरा घर ट्रबल में है उसको वो कर लेती है। इसलिए उसको रेकी सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी को नहीं पता है इमरजेंसी कब आए और कैसे वो हील हो सके। इसलिए जो हम वर्कशॉप कर रहे हैं, हम चाहेंगे ये हमारी मातृशक्तियां इसको ग्रहण करें और इसको और उसमें चार चांद लगाएं, क्योंकि जैसे ही मातृशक्ति आ जाती है उसमें चार चांद लग जाता है। दूसरा, जब आप देखेंगे एनर्जी जैसे ही फ्लो करना शुरू करेगा तो बहुत सी चीजें चेंज चेंज हो जाती हैं, पेशेंट्स में इमीडिएटली वो चेंजेस आने लगते हैं। और एक और इसका नेगेटिव एस्पेक्ट भी मैं बताऊं, इसका नेगेटिव एस्पेक्ट ये है एनर्जी का, जो लोगों ने देखा होगा, जैसे किसी को हार्ट अटैक आया, वो चेस्ट पेन होके बेहोश हो गया, बाकी लोग इतना घबरा जाते हैं कि वो पेशेंट अगर आंख खोलता भी है बाद में, उनकी घबराहट देख के वो सोचता है अब तो मैं गया, और वो घबराहट में ही चला जाता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको एक एक कोई आपदा आई है, उसको सबसे पहले बात तो एक्सेप्टेबिलिटी, लोगों को एक्सेप्ट करते करते इतना टाइम लग जाता है कि पेशेंट का बहुत नुकसान हो जाता है उसमें। तो पहली बात तो ये नॉलेज ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी, दूसरी बात अपना आउटवर्ड फेवर कैसा हो, ये होना चाहिए ताकि आप एनर्जाइज कर सके रादर देन टेकिंग अवे एनर्जी फ्रॉम हिम। द थर्ड इज, जैसे हमारे यहाँ एक बार का मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, पेशेंट एक बेहोश हो गया, शायद उसको वेसो वेगल सिंकपी मतलब हुआ, वो बिल्कुल फेंट हो गया, उसके पास जाके उसके सर के मर्म पॉइंट्स पे जैसे ही हाथ फेरा गया, विद इन 1 to 1.5 मिनट्स ही गॉट बैक टू नॉर्मलसी। जो नॉर्मली वेसो वेगल अगर होता तो 5-10 मिनट में वो अपने आप हो भी जाता है कई बार, लेकिन यू लुक एट द पावर ऑफ एनर्जाइजिंग समथिंग। जैसे ही आप एनर्जाइज करते हैं थ्रू योर हैंड्स, थ्रू योर आईज, थ्रू योर टच, और कई बार टच की भी जरूरत नहीं है, जैसे डॉक्टर एन के शर्मा ने बोला, टच की भी जरूरत नहीं है, आपको टच की जरूरत नहीं है, आप बहुत डिस्टेंस से भी ये एनर्जी का प्रवाह आप कर सकते हैं और वो वहां तक पहुंच सकता है, गंतव्य तक, ताकि उसको ये फील होने लगे कि ये है। ये समझने के लिए एक और चीज मैं समझाना चाहूंगा, जैसे आजकल सबके हाथ में मोबाइल फोन्स हैं, तो लोगों ने देखा होगा आप जैसे ही किसी को डायल करते हैं, वो कई बार आपको बोलेगा कि मैं अभी फोन उठाया ही था आपको डायल करने के लिए। तो ये एनर्जी ट्रांसफर है, जैसे ही आप किसी के बारे में सोचते हैं आप अपने एनर्जी से हिट करते हैं उसको, और उसको ये एहसास होता है कि आप उसको याद कर रहे हैं, या वो आपकी ख्याल में भी आ जाता है। दिस इज हाउ इंटरकनेक्टेड द वर्ल्ड इज, विच विल मेक यू मेक द दर्शकों को और ज्यादा अच्छा से अंडरस्टैंड करने के लिए कि रेकी क्या है और इसकी हीलिंग प्रोसेस कैसे होती है, कैसे किस चीज से इनिशिएट करते हैं, कैसे ये सभी इंटरकनेक्टिविटी हेल्प करती है ताकि वो हीलिंग प्रोसेस और ज्यादा उजागर हो पाए। अपार्ट फ्रॉम वॉट एवर वी आर डूइंग, जो भी अल्टीमेटली एवरीथिंग विल बॉयल डाउन टू एनर्जी। जैसे एनर्जी फ्रीक्वेंसी से हर कुछ मेजर किया जाता है, अगर कोई कैंसर है सेल में उसकी वाइब्रेशंस ऐसे ऐसे हो जाती हैं, और नहीं तो वो ऐसे ऐसे 72 हर्ट्ज में वाइब्रेट करता है। क्या हम किसी तरीके से उस वाइब्रेशन को रिस्टोर कर सकते हैं? रेकी बहुत बड़ा माध्यम है उसका। अमेजिंग। जी सो
आपने ऑलरेडी जो था सीक्रेट आउट कर दिया, क्योंकि आपने वर्कशॉप की बात की, क्योंकि लोग पूछने लग गए कि हम रेकी कैसे सीख सकते हैं। उससे पहले हम इसका डिटेल दें तो बिल्कुल दोस्तों, देखिए आप लोग जैसे डॉक्टर साहब ने बोला, आप लोगों ने बहुतों ने नोट किया होगा कि जैसे ही कोई फ़ोन करने लगा तो आपको उसी टाइम आपको भी इंट्यूशन होता है कि फ़ोन आने वाला है, मैं फ़ोन करूँ, और वो कहता नहीं मैं आपको याद कर रहा था, आप करने वाला था। और ये सिर्फ आपको लगता होगा कि कोइंसिडेंस इस ये हमेशा कोइंसिडेंस आपको लगता है, लेकिन ये कोइंसिडेंस नहीं होता है, ये वाकई में एनर्जी ऐसे ट्रेवल करता है। आप लोग गूगल में एक सर्च करेंगे साउथ अमेरिका के एक जो ये अमेजॉन फॉरेस्ट है उसको, उसमें एक बहुत बड़ा शेल का या किसी कंपनी का, ऑयल कंपनी का अपना प्रोजेक्ट लगाने वाले थे, ये बहुत बड़ा एरिया उनका जंगल साफ करने वाले थे। वो आदिवासियों ने बहुत फरियाद लगाई लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी, तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम किसी ऐसे एक्टिविस्ट से बात करें जो हमें हेल्प कर सके। और सारा एज ए ग्रुप, जब भी कॉन्शियसनेस की बात कर रहे थे, सारा एज ए ग्रुप 4 बजे उठ के उन्होंने डिसाइड किया कि वी विल सेंड द मैसेज टू द यूनिवर्स कि हमें कोई हेल्प भेजे। और ये दुनिया की एक टॉप ऑफ द वन ऑफ द टॉप एक्टिविस्ट को ये मैसेज सपने आने लग गए कि लोग उसको बुला रहे हैं कि उसको हेल्प चाहिए, हेल्प चाहिए। जो साउथ अमेरिकन के जो ट्राइबल्स का एक स्पेशलिस्ट उसका दोस्त था, उसने उससे बात की कि मेरे को सुबह रोज 4 बजे ऐसा सपना आता है, ये क्या चीज़ है। उसने डिस्क्राइब किया कि ऐसे लोग हैं, ऐसा टीका लगाते हैं, ऐसे कपड़े पहनते हैं। उसने बोला हाँ ये तो आजकल बहुत न्यूज़ में है, वहाँ पे एक बहुत बड़ा जो है शेल कंपनी अपना प्रोजेक्ट लगा रही है, उनके जंगल को काट के उनका घर हटाया जा, घर से निकल जाएंगे, उनको जंगल से साफ किया जा रहा है उनको। वो लेडी वहाँ पे पहुँची, बकायदा उन्होंने उस लेडी ने एक्टिविज्म स्टार्ट किया उस पर, और उस प्रोजेक्ट को बंद करना पड़ा गवर्नमेंट को। सो दैट इज द पावर। वो लेडी को वो बंदे जानते नहीं है, इट्स जस्ट सेंडिंग द यूनिवर्स अ मैसेज। तो अभी डॉक्टर अंकित शर्मा ने बोला कि यू डोंट हैव टू बी देयर, यू नो ये मैसेज आपका इट्स ट्रेवल्स फास्टर देन इवन द स्पीड ऑफ द लाइट। सो ये सब चीजें आप लोग आके अगर महसूस करना चाहते हैं, ये जब भी डॉक्टर साहब ने बोला कि घर में किसी को हार्ट अटैक हो गया है, कुछ अचानक ऐसी इमरजेंसी आ गई है, ठीक है जब तक एम्बुलेंस आता है आप हॉस्पिटल पहुंचते हैं, आपके पास एक ऐसी पावर है जो आप उस पर्सन की जान भी बचा सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल उन्होंने दिया कि 2% भी बैटरी बची है तभी भी बिफोर द फोन डाइज, बिफोर अ पर्सन हार्ट एंड यू नो एवरीथिंग डाइज, आपके पास पावर है, वो यूज कर सकते हैं। वो कैसे यूज कर सकते हैं, ये दो महानुभाव जो स्क्रीन पर बैठे हैं, डॉक्टर एन के शर्मा जी और डॉक्टर पांडे जी, ये एक बहुत बढ़िया वर्कशॉप लेकर आ रहे हैं और देहरादून में है। तो मैं डिटेल डॉक्टर पांडे के मुंह से सुनना चाहूंगा कि ये क्या है डॉक्टर साहब, और थोड़ा सा इसका डिटेल में जाइए, क्योंकि बहुत लोगों के मैं कमेंट्स भी आपको दिखाता हूँ कि वो लोग सीखना चाहते हैं, तो प्लीज थोड़ा एनलाइटन करिए। तो ये 15, 16, 17 मार्च जो लोग मतलब इंटरेस्टेड हैं अपने डेट्स लॉक कर लें। आइड्स ऑफ मार्च जूलियस सीजर में बोला गया था, आइड्स ऑफ मार्च वाज 15th of March। सो 15th of March मैं फिर से बोल रहा हूँ, आइड्स ऑफ मार्च 15th of March, 15th, 16th and 17th। ये लाइव प्रोग्राम होने जा रहा है, ऑनलाइन नहीं होने जा रहा है। ऑनलाइन भी जब करेंगे तब अनाउंस करेंगे, बट अभी ये लाइव प्रोग्राम है थर्ड आई सेंटर में, सहस्त्र धारा देहरादून, ये एड्रेस है। वही यहाँ पर आप 3 दिन रेजिडेंशियल प्रोग्राम है, रेजिडेंस के लिए हम आपको सारा लिस्ट दे देंगे होटल्स का जो हमने नेगोशिएट करके 50% प्राइस ऑफ करके उनको दिलवाया है, वो उनका चॉइस है। वो छोटे होटल में रहना चाहते हैं, बड़े होटल में रहना चाहते हैं, वो हम चॉइस सारा दे देंगे, लेकिन 3 days दे हैव टू बी देयर, मोस्टली 2.5 days। 15th and 16th को फुल डे प्रोग्राम्स हैं और 17th को 2 बजे तक है, जहां पर 17th को पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया जाएगा, जो प्रोग्राम है यहां पर थर्ड आई में सहस्त्र धारा देहरादून। तो ये जो प्रोग्राम है फर्स्ट 2 days 15th and 16th विल बी क्लासेस, प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन एंड डिस्कशन, एंड 17th को पास्ट लाइफ रिग्रेशन वो शो भी किया जाएगा और सिखाया भी जाएगा, जैसा डॉक्टर एन के शर्मा साहब का प्रोग्राम है। और दो बजे वी कम टू एन एंड ऑफ अ 3 डे सेशन। तो 15 को जब हम शुरू कर रहे हैं, सुबह में शुरू कर रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि वो 14 तक यहाँ पर आ जाए जरूर, और फिर 17 के शाम तक वो जा सकते हैं, या 17 के शाम को अपना ऋषिकेश जा सकते हैं, या जो भी उनका आगे का प्रोग्राम है कर सकते हैं। यहाँ से मसूरी भी जा सकते हैं, ऋषिकेश भी जा सकते हैं, हरिद्वार भी जा सकते हैं, और अपने घर वापस भी जा सकते हैं द सेम डे। तो वो चॉइस उनके ऊपर छोड़ा जाए। तो ये मैं डॉक्टर
एनके शर्मा साहब से भी और पूछना चाहूंगा कि सर ये कैसे जो जो मैंने बोला वो ठीक है या कुछ इसमें मॉडिफिकेशंस। जी बिल्कुल 100% आपने सही बता दिया है। और वैसे ये दो दिन जो है ना उनके जीवन के लिए बहुत ही कमाल के दिन होंगे। मैं कमाल के दिन क्यों बता रहा हूं मैं आपको कि सिर्फ एक खाली हैंड्स ऑन हीलिंग ही नहीं हम सीखने वाले हैं इस दो दिनों में। रेकी जो बेसिक लेवल और एडवांस लेवल जो है उसके अंदर ऐसी ऐसी चीजें हम सीखने वाले हैं कि जिसमें दो दिन के बाद लगेगा कि बस मैं ऑलमोस्ट काफी अब फुलफिल हो गया हूँ, संपूर्ण हो गया हूँ, मुझे बहुत कुछ जानकारी मिल गई है, अब मैं जीवन में क्रिएटिव बन गया हूँ और मैं हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ, मैं दुनिया में हर जगह कम्युनिकेशन कर सकता हूँ। तो ये जो भरोसा, एक जो जिसको कहते हैं एम्पावरमेंट एंड एनलाइटनमेंट, ये दोनों चीजें होने वाली है। और चूंकि सिर्फ कार्यशाला कार्यशाला नहीं है, उसके साथ साथ एक जो पर्सनल जो शक्तिपात जो होता है वो हमारे रेकी का सबसे बड़ा एक अद्भुत लाभ है। तो वो आपको एक पर्सनल ऑफलाइन में जो लाभ मिलेगा वो तो अब अलग है ही, उसका अनुभव भी अलग है ही। और साथ ही साथ में हमें हंसना भी है, हमें नाचना भी है, हमें गाना भी है, हमें एंटरटेनमेंट भी करना है, ताकि हमारी ये 2-2.5 दिन जो हमारे साथ आप जो बिताएंगे वो एक बड़े यादगार दिन आपके लिए बन जाए। इस तरह का प्रयास जो है हम लोग करेंगे और आपको उसका वाकई में लाभ देने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए बिल्कुल 15-16-17 जो है वो 2.5 दिन आपको हमारे साथ रहना है। और एक चीज जो मैं यहाँ बताना चाहूंगा, जरा अजीत जी जो आपने एक विषय की चर्चा की थी वो अमेज़न के बारे में, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप जब हमारे ऑफलाइन रेकी कोर्स में आप आएंगे तो हम वैसे हम जब हमारे तो रेकी कोर्स जब भी होते हैं ना, हम एक बहुत ही अद्भुत प्रयोग करते हैं। हम एक आदमी को अमेरिका में खड़ा कर देते हैं, कोई स्टूडेंट को, और उसको कहते हैं भैया ढीला खड़ा हो जाना बस, और पुश आए तो गिर जाना मतलब। और दूसरे को हम कोई जयपुर या बम्बई में खड़ा करते हैं स्टूडेंट को और कहते हैं आपको उस आदमी के ऊपर एक विचार फेंकना है कि तू गिर जा, यानी कि एक प्रकार से गेम की तरह ही है। तो वो व्यक्ति चूंकि तैयार है गिरने के लिए, तो हम उसको एक एनर्जी थ्रो करते हैं जिसको एनर्जी प्रोजेक्शन करते हैं हम लोग। आप हैरान हो जाएंगे कि मुश्किल से 10 सेकंड भी नहीं लगते बता रहा हूं, और वो आदमी धड़ाम से अपने घर में पीछे गिर रहा होता है। और ये मतलब तो ये प्रत्यक्ष जो मैं कहता हूँ ना कि आपका थॉट जैसे 3,00,000 किलोमीटर बोलते हैं ना 1 सेकंड में ट्रैवल कर सकता है, तो आप सोच सकते हैं कि हाउ आवर एनर्जी कैन 1 सेकंड में कितना जल्दी डिस्टेंस ट्रैवल कर जाती है। एक आदमी को हम कहते हैं कॉपर रॉड लेके खड़े हो जाओ जी अपने घर में, और फिर दूसरे आदमी को दूसरे शहर से कहते हैं तुम इसके ऊपर एक एनर्जी का थ्रो करो और कहो कि खुल जाए। आप हैरान हो जाएंगे, वो व्यक्ति अपने घर में खड़ा हुआ है और उसकी रॉड उसके घर में करके खुलने लग जाती है। इस तरह से ये प्रैक्टिकल जो डेमोन्स्ट्रेशन है ना, ये ऑफलाइन में हम आपको प्रैक्टिकल कराने वाले हैं। मतलब जब आप वहां पे प्रैक्टिकल रहोगे ना, तो आप खुद देखोगे कि एक आदमी को मैं 50 फीट दूर खड़ा कर दूंगा और मैं दूसरे आदमी को कहूंगा इसको गिर जा बोल, आप हैरान हो जाएंगे कि वो ऐसे पीछे गिर रहा होता है। तो आपको लगता है अरे बाप रे मेरा थॉट की इतनी पावर है। तो ये जो नेचुरल जो गिफ्टेड पावर्स है ना, हम उसको काफी एक्सपेरिमेंटल तौर पर भी और साइंटिफिकली प्रूव करने की पूरी कोशिश करेंगे हम। अमेजिंग डॉक्टर साहब। और मैं डॉक्टर पांडे की बात से उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि 15-16 को दोस्तों वहाँ पे फुल डे प्रोग्राम है, 17th को 2 बजे तक जैसे डॉक्टर साहब ने बताया 12 बजे तक, और उसके बाद आप घर जा सकते हैं, हरिद्वार जा सकते हैं। मैं तो 2-3 बार ही गया हूँ, मेरा तो कहीं जाने का दिल नहीं करता, थर्ड आई में ही रहने का मन करता है, पीछे सहस्त्र धारा है और उसमें आराम से उनके साथ बैठने का दिल करता है, क्योंकि अच्छा होगा। डॉक्टर साहब की मैं एनके शर्मा जी से और चीज बोलना चाहूंगा जरूर कि जो 17th को जो मुझे थोड़ी सी जानकारी मिली कि उसमें पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में भी बात करने की भी बात हुई है, और मैं डॉक्टर का कुछ देख रहा था कुछ प्रोग्राम की कुछ बड़े हीरोज जो सो कॉल्ड बड़े हीरोज वो पिछली जिंदगी में क्या थे, इवन उन्होंने वो डाइवर्ज कर रहे थे। सो बहुत मजेदार, थोड़ा सा बताना चाहेंगे डॉक्टर साहब उसके बारे में कुछ। देखिए मैं जब हॉस्पिटल चलाता था ना, तो मेरी बहुत सिंसियर डिजायर थी कि मैं ये जो बोलते हैं ना टूट फूट के जो मरीज आ रहे हैं, मैं इनके ऊपर लंबे समय तक काम नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे लगता था
इनको अवेयरनेस की जरूरत है, जगाने की जरूरत है। तो मैं तो इसी कारण रेकी मेरे जीवन में आ गई, जो मैं लोगों को रेकी सिखाकर आत्मनिर्भर बनाकर उनको एक अपने आप से मुक्त कर दिया, यूं सेल्फ डिपेंडेंट बना दिया, समझ लें। तो उसी तरह पूर्व जन्म का भी जो मैंने जो क्षेत्र चुना, इसका पर्पज यही था कि कहीं ना कहीं आदमी अपने जीवन से सारे प्रश्न समाप्त कर दें, अपने ब्लेमिंग गेम, अपने जजमेंट वगैरह सब समाप्त कर दें, और वो जीवन के उस रहस्य को जान जाएं, वो नियम को भी जान जाएं कि ये जो ब्रह्मांड है, ये जो जीवन है, ये ऐसे ही नहीं चल रहा है, ये बड़ा नियम के अंतर्गत सब कुछ यहाँ पे संसार में घट रहा है। तो इसीलिए एक बार जब एक आदमी पूर्व जन्म में जाता है ना, तो वो अपने जीवन भर के लिए अपनी आंखें खोल देता है। क्योंकि जब वो मान लो कि जब वो पहली पहली बार जब अपने पिछले जन्म को देखता है, तो वो देखता है कि मैं 80-90 साल में मरा, लोगों ने मुझे जलाया गाड़ा, फिर मैंने अगला जन्म लिया तो अब मेरी शक्ल बदल गई, अब मेरा शरीर बदल गया, कभी मैं मेल कभी फीमेल हो गया। तो उसको लगेगा कि यार मैं तो कभी मरा ही नहीं यार, मेरी तो पैकिंग बदलती रही, इसका मतलब मैं तो वास्तव में मरता ही नहीं हूँ, मेरी चेतना तो हमेशा मौजूद रहती है। तो ये जो अनुभव है ना, आपको जीते जी कभी भी नहीं जानने को मिलेगा, जो आज पूर्व जन्म से मिल जाता है, ठीक है ना। और आपका मृत्यु का डर हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। और इसके साथ साथ सबसे बड़ा जो डर समाप्त, जो बोलते हैं ना भ्रम समाप्त होता है, वो है जात पात का। आप स्वयं देखोगे कि मैं कई जन्मों में मुसलमान, कई जन्मों में क्रिश्चियन, कई जन्मों में फ्रांसीस, कभी चाइनीज, कभी अफ्रीकन, कभी कोरियन, तो आपको लगेगा कि यार मैं हूं कौन वास्तव में, ये मैं जिस नाम को लेकर इतना चिपकाव कर रहा हूँ और जिस जात पात को लेकर इतना मैं जो होता ना इतना स्ट्रिक्ट हो जाता हूँ मैं, तो आपको लगेगा कि वास्तव में हमारी जैसे आम की और एप्पल की, केले की, कोई फूल की, गुलाब की कोई जात नहीं होती ना, वैसे भी समझ लो हमारी भी कोई जात पात नहीं होती। बाकी जिसके खेत में पैदा होगी वो अपना नाम रख लेता, अलग बात है। इस तरह से तो ये भ्रम वहां टूट जाता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे जीवन में जो कुछ भी आज घट रहा होता है ना, वो हम उसके चुंबक होते हैं। यानी कि अच्छे लोग, बुरे लोग, अच्छी परिस्थितियां, गलत परिस्थितियां, अच्छा पैसा, कम पैसा, ज्यादा पैसा, ये सब ऐसे ही नहीं घटते हैं, ये बिल्कुल बड़े नियम के अनुसार आपके आसपास आ रहा जा रहा होता है। तो इस तरह से मैंने ये देखा है कि आप है ना जीवन भर सत्संग करते रहते हो, गुरु ग्रंथ भी पढ़ते हो, गीताएं पढ़ते हो, कुरान पढ़ते हो, लेकिन आप है ना ये एक प्रकार से आपके सूचनाएं तो मिल जाती उधार, तो उधार के ज्ञान से मैंने अनुभव किया आज तक कोई भी व्यक्ति जो है जागृत नहीं हुआ जितना स्वानुभव से जागृत होता है। तो इसीलिए पूर्व जन्म की एक घंटे की जो यात्रा है ना, वो उसको इतना बड़ा स्वानुभव करवा देती है कि उसको लगता है कि वास्तव में यार मैं तो दस जीवन की सच्चाई तो ये है कि आज मेरे पास जो कुछ घट रहा है वो बड़ा सब कुछ नियम से भाई। तो आप है ना फिर क्यों क्वेश्चन आप कर ही नहीं सकते, यू हैव टू एक्सेप्ट एंड यू हैव टू आपको अपनी चॉइसेस और एक्शन को फिर चेंज करना पड़ता है, यूं समझ रहे। तो ये जो अनुभव है ना पूर्व जन्म से लोगों को जानने को मिलता है। और मैं जनरली जब पूर्व जन्म में लेके जाता हूँ तो आपको हैरानी होगी, मैं बिल्कुल एक यूरोप टूर की तरह टूर करवाता हूँ। मैं उनको पहले पिछले जन्म में लेके जाता हूँ, फिर वहां से निकाल कर मैं 100 साल के बाद 21-24 में लेके जाता हूँ, फिर वहां से वो कहाँ पैदा होंगे, क्या नाम होगा, कौन कौन से परिवार के लोग साथ में होंगे, क्या बिजनेस होगा, काम धंधा होगा, वो सब दिखाता हूँ। फिर मैं 2029 में लेके जाता हूँ, यानी कि 5 साल के बाद के भविष्य में लेके जाता हूँ कि आप कहाँ, आपका घर कहाँ होगा, आपका काम धंधा कैसा होगा, आपके अंदर घर में क्या परिवर्तन आ चुका होगा। कई लोगों की शादियां होनी होती तो वो आप देख सकते हैं संतानें हुई कि नहीं घर में, कोई आदमी बाहर चला गया कोई घर में। तो इस तरह से जो हमारे जीवन में जो 5 साल के बाद जो परिवर्तन आते हैं ना, वो बिल्कुल एकदम उसमें आप साफ साफ देख सकते हैं। इसी तरह फिर मैं 10 साल के बाद भी लेके जाता हूँ, यानी कि 2034 में, तो वहां पर भी 10 साल के बाद भी फिर आपके जीवन में क्या बड़ा चेंज आ चुका होगा, तो वो चेंज भी लोग जो है वो देख लेते हैं। और साथ ही साथ फिर इस जन्म में उनके जो कार्मिक बंधन होते हैं ना, कि रिलेशनशिप ठीक नहीं है, पैसा ठीक नहीं है, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही लाइफ में, या कोई बीमारी है बहुत बड़ी, तो उसका कार्मिक कनेक्शन अगर किसी जन्म से है तो फिर वो उस टाइम पीरियड में जाकर जो है ना उस पूरी घटनाक्रम को एक स्टोरी की तरह वो पूरा समझ के आ जाता है। और उसके साथ ही साथ हम कई उनकी जो दिवंगत आत्माएं जो चली गई, जो जिनसे वो मुलाकात करना चाहते हैं, तो हम उनके दिवंगत आत्माओं से मुलाकात भी करवाते हैं। उनके दादा दादी, माँ बाप, भाई बहन, जो भी चाहते हैं वो सब आते हैं, उनके साथ बातचीत होती है, वो कहाँ वापिस जन्म लेंगे, किस रूप में आएंगे, परिवार में आएंगे तो किस रूप में आएंगे, तो यहाँ जन्म नहीं लिया है तो कितने साल के बाद जन्म लेंगे, यानी कि एवरीथिंग यू कैन नो, यू समझ लें।
तो ये एक बहुत ही बड़ा इंटरेस्टिंग पास्ट लाइफ सेशन होता है, एक घंटे का एक समझो समय लगता है, पर उसमें ना जैसे बोलता है कि आदमी को मजा आ जाता है, समझो एक प्रकार से। जी बहुत बढ़िया। और दोस्तों जो लोग डॉक्टर एन के शर्मा को नहीं जानते हैं, पर्सनली मिला हूँ, बिंदास आदमी है। आप वहाँ पे वर्कशॉप करेंगे 2 दिन, आप हंसते हंसते आपका पेट दुखेगा और एकदम हंसाते हुए सिखाते हैं और एकदम बढ़िया, आपको डिफरेंट लेवल की आपको लर्निंग मिलेगी। सो जो लोग पूछ रहे हैं एक बार फिर से बता दूँ, 15-16 को वहाँ पे देहरादून में, 3rd eye में ही है, लेकिन आप लोग पूछ रहे हैं सवाल, आपको इंतजाम डॉक्टर साहब ने अभी डॉक्टर पांडे ने बताया कि खुद करना पड़ेगा रहने का। लिस्ट दे देंगे आपको, उन लोगों ने डिस्काउंटेड रेट पे होटल्स के साथ नेगोशिएशन किया है। आप लोगों को हमेशा एक चीज बोलता हूँ दोस्तों कि जब भी मुझे ऐसा मौका मिला कि कुछ सीखने के लिए एक्सपर्ट से, तो वो मैं आई जस्ट जंप ऑन इट कि भाई इसमें कुछ नया सीखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि कई चीजें हम कहते हैं कि लाइफ लॉन्ग हम चीज ढूंढते रहते हैं, हमें नहीं पता लगता। अब डॉक्टर एन के शर्मा का जो पूरा जिंदगी का, इस जिंदगी का नहीं बोलूंगा, 100 जिंदगियों का आप तो बता दिया उन्होंने, वो निचोड़ लेके आपके सामने जब दे देंगे, तो वो जो आपको नॉलेज मिलेगी ना दोस्तों, वो आपको कहीं मिलने वाली नहीं है। सो डॉक्टर पांडे को एक बार फिर से मैं स्टेज दूंगा, उससे पहले 15-16 को वहां पे प्रोग्राम, 17 को भी है दोपहर तक, और उसके बाद से आप चाहें तो रुक सकते हैं, जा सकते हैं। और ये ग्रुप वाला, जैसे डॉक्टर शर्मा ने बताया कि ग्रुप वाला वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन थोड़ी सी बात करेंगे, इंडिविजुअल सेशंस बहुत स्केड्यूल करते हैं, वो अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। सो वो आप इनकी टीम से बात करेगा। जैसे हम लोग माइक्रोबायम का कोर्स करें तो 25th को जैसे मैं आ रहा हूँ, तो आप लोग 3 दिन वहां पे गुजार सकते हैं, लेकिन वहां पे अपना एग्जाम करना पड़ेगा। अब फिकर ये कि अब बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड हैं और मैं देख रहा हूँ और मुझे पता है कि बहुत ज्यादा ये लोग आने वाले हैं करने के लिए, लेकिन प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि सिर्फ 50 सीटें हैं। डॉक्टर साहब ये आपने 50 सीटें क्यों रखी, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, क्योंकि मैं ऑलरेडी देख रहा हूँ कि 30-40 लोग तो यहीं पे मुझे अभी दिख रहे हैं। डॉक्टर पांडे जी, तो ये नहीं, सीट्स हमारे पास भी जो मैसेजेस आए हैं उसमें सीट्स हमने इंक्रीज करने का ट्राई किया है, तो लोग अप्लाई करें एंड वी विल टेक इट ऑन अ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। हम जो 15-16-17 बोल रहे हैं, हमें मार्च बोलना जरूरी है, 15-16-17 मार्च 2024 इज द डेट। और हम एक माइक्रोबायोम का कोर्स 25th February 2024 कर रहे हैं, तो 25th February और 15-16-17 मार्च में करीब करीब 3 weeks का डिफरेंस है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि वी शुड बी राइट ऑन द टाइम। एंड जो डॉक्टर शर्मा साहब बोल रहे थे, जो पास्ट लाइफ वाली बात थी, तो ये कुछ इस तरह है कि साइंस भी अब इस स्थिति में पहुंच रही है दैट आफ्टर यू डाई यू डोंट गो एनीवेयर, यू जस्ट चेंज फॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू द अदर, द एनर्जी चेंजेस फॉर्म, यू डोंट गो एनीवेयर, यू आर हियर ओनली, यू डोंट गो एनीवेयर। तो ये जैसे एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन चेंज फॉर्म, उसी तरह जो आपकी जो सूक्ष्म शरीर है वो सिर्फ फॉर्म चेंज करती है, बाकी स्थूल शरीर वो समाप्त होता है, बिकॉज दैट इज द प्रकृति, प्रकृति को विकृत हो जाती है, लेकिन जो सूक्ष्म शरीर है वो चलती रहती है, बिकॉज दैट इज द एनर्जी, द कॉजल बॉडी, कारण शरीर है वो चलती रहती है। तो ये रेकी के माध्यम से कारण शरीर में घुस के स्थूल शरीर को कैसे ठीक किया जाए, अगर आपको सीखना है तो 15th, 16th, 17th मार्च अपना डेट याद रखिए और आप इस डेट को आ सकते हैं। 50 से ज्यादा स्टूडेंट्स भी हम ये ले सकते हैं, क्योंकि हमारे पास और भी लोग जो कांटेक्ट कर रहे हैं, वी आर इंक्रीजिंग द सीट्स, तो दे कैन कांटेक्ट। और आपके जो हमारा ये है डॉक्टर एन के शर्मा का, मेरा और आपका, तीनों में मैं नीचे लिंक में सारा कुछ दिया हुआ है कि आपको कैसे कांटेक्ट करना है, कैसे रजिस्टर करना है, क्या चार्जेस हैं। हमने ट्राई किया है बहुत ही मिनिमलिस्टिक चार्जेस रखने के लिए, लेकिन एकोमोडेशन का भी हमने ट्राई किया है बहुत ही मिनिमलिस्टिक चार्जेस रखने के लिए। आप सोचिए 500 रुपीज पर डे से शुरू हो जाता है जी, जो रूम्स है 500 रुपीज पर डे से शुरू हो जाते हैं। तो आपका जितने कम पैसे खर्च हो, जितना ज्यादा आप उसका बेनिफिट ले सकें, हमारी कोशिश यही रहेगी। तो यू आर वेलकम और आप अप्लाई करें 15-16-17 मार्च के लिए डॉक्टर एन के शर्मा जी के इसमें उनके चैनल पे भी, डॉक्टर सविता शर्मा
के मतलब उस पर भी वो डिटेल्स दिए गए हैं, वो कांटेक्ट कर सकते हैं एंड दे कैन रजिस्टर फॉर द कोर्स। जी बिल्कुल। इसमें मैं अजीत जी थोड़ा ऐड करना चाहूंगा कि रेकी कोर्स के अलावा, पास्ट लाइफ के अलावा, जो उनको जो और जो हम बेनिफिट देने वाले हैं उसमें एक फर्स्ट लेवल की और सेकंड लेवल की उनको, और ऐसे जो भी कोर्स मटेरियल है उसकी 3-4 किताबें होती है, वो किताबें भी उनको दी जाएगी। और साथ ही साथ में उनको जो है पूर्व जन्म से संबंध भी जब कार्यशाला होगी तो उससे भी रिलेटेड एक पुस्तक या छोटा सा कोई ब्रोशर, मतलब जो भी उससे कनेक्टेड जो बुक होती है वो उनको वहां पर उनको दी जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारी तरफ से हम जो बेस्ट उनको हम देने का प्रयास कर सकते हैं वो हम पूरा देने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ ये 2.5 दिन के प्रोग्राम का एक और मजेदार जो पहलू है कि हो सकता है कि अब हेल्थ वाइज भी थोड़े बेटर हो जाओ, क्योंकि देहरादून का जो सेंटर है वो इतना नेचुरल एनवायरनमेंट में है और वहाँ पर जो है खाना पीना भी जो मिलेगा वो काफ़ी हेल्दी फूड मिलेगा, हेल्दी तरह के ड्रिंक्स मिलेंगे आपको वहाँ पर। और साथ ही साथ वहाँ पर अगर आप कोई प्रकार की चिकित्साएं भी अगर लेना चाहेंगे तो वो बहुत सारे डॉक्टर साहब ने, पांडे साहब ने बहुत सारी आयुर्वेदिक चिकित्साएं भी वहाँ डेवलप की हुई है। तो मतलब एक प्रकार से आपको 2.5 दिन जो है ना आप अपने लिए एक प्रकार से फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, बोलते हैं साइकिक लेवल, हर एक लेवल पे थोड़ा बेटर बनाने में आपको काफी मदद मिलेगी वहां पर। जी एग्जैक्टली। और सो देखिए दोस्तों, एज अ बोनस आपको लेवल 1 और लेवल 2 की डॉक्टर शर्मा ने बताया आपको बुक्स भी मिलेंगी। देखिए जैसे मैंने बोला था कि एक्सपर्ट्स से टाइम गुजारने का जो मौका मिलता है ना वो बहुत बड़ा एक मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटी होती है आपको लाइफ लॉन्ग चीजें सीखने के लिए। और जो सबसे बड़ी बात इस पूरे शो के दौरान मुझे जो समझ में आया कि रेकी के थ्रू आपके अंदर पावर है जिसको आप हार्नेस कर सकते हैं और इनवैल्यूएबल लाइफ को आप घर बैठे बचा सकते हैं जब तक कि आपको बाहरी मदद नहीं मिल रही है। तो ये इससे बड़ा और जिंदगी में क्या चाहिए। और 3 दिन एक चीज अजीत जी और ऐड करना चाहूंगा अजीत जी कि देखिए डॉक्टर अवधेश पांडे जी भी इस फील्ड में बहुत अनुभव प्राप्त एक हमारे विशेषज्ञ हैं और हमने भी अपने जीवन के करीब 45 साल इस फील्ड में ये किए हैं। तो आपके अपने हेल्थ संबंधी भी और आपके जीवन संबंधी और आपके कई तरह के आध्यात्मिक संबंधी जो भी आपके क्वेरीज या प्रश्न जो भी प्रॉब्लम होंगे वहां पर वो भी डिस्कशन जो है किए जाएंगे कि जिससे जब आप जाएंगे तो आपको लगेगा कि मैंने सिर्फ रेकी नहीं कमाई, मैंने मैंने एक प्रकार से वेल्थ का साइंस भी कमाया, हेल्थ का साइंस भी कमाया, साथ ही साथ मैंने अपने जीवन के आध्यात्मिक विज्ञान को भी बहुत क्लियरली से समझ के मैं बाहर आ रहा हूँ इस तरह से। एग्जैक्टली यही बात इसी पे मैं आ रहा था डॉक्टर साहब कि सिर्फ आप सिर्फ सीखेंगे नहीं, जो इन लोगों के एक्सपीरियंसेस है ना तो आपकी सिर्फ रेकी नहीं सीखे जाएंगे, आपका ओवरऑल हेल्थ, आपका जो इमोशनल हेल्थ, कई चीजें आप पूछते हैं डॉक्टर से, डॉक्टर पांडे का एक्सपीरियंस, डॉक्टर शर्मा का, डॉक्टर शर्मा जी का एक्सपीरियंस। अब डॉक्टर शर्मा जी के साथ मेरा एक इंटरव्यू है मेरे चैनल पे, तो उसमें उन्होंने जो बातें बताई कि उन्होंने कितने सालों से दवाई को हाथ नहीं लगाया, उनके पास ये पावर है, वो कई ऐसे चीज आपको बता देंगे जो आपको आइडिया नहीं होगा। तो वो एक्सपीरियंसेस जब मिलके ना इन पर्सन जो कॉन्टेक्ट बनता है और जो एक रेपो बनता है वो ऑनलाइन तो नहीं बनता है, तो कोशिश यही होती है। इसीलिए मैंने इस बार भी अपना जो लास्ट रखा क्लास वो 25 फरवरी को है दोस्तों, सॉरी मैंने बात नहीं बताई थी, 25 फरवरी को है, वो डॉक्टर पांडे के साथ होऊंगा। और जो मेरे दर्शक हैं इस टाइम 3 चैनल पे आ रहा है, डॉक्टर अवधेश पांडे जी के, डॉक्टर एन के शर्मा जी के और अजीत भूषण, जो लोग मुझे नहीं जानते मैं माइक्रोबायोम पे काम कर रहा हूँ और उस पर मैं क्लासेस लेता हूँ, लोगों को सिखाता हूँ, इसी चैनल पे नाम भी मिल जाएगा। सो 15, 16, 17 को आप लोग आइए, मैं भी वहां पर आऊंगा, हमारे दर्शकों से उम्मीद। देखिए फिर से एक बार बोलूंगा दोस्तों, सीट डॉक्टर साहब ने भले बोला कि 50 सीट से ज्यादा होंगी, लेकिन मैं अगर होऊंगा तो मैं फटाफट सीट बुक करके अपना फोन करके अपनी सीट कंफर्म कराऊंगा अगर मैं इंटरेस्टेड हूं तो। सो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, नंबर आपके सामने मैं फिर से दे दे रहा हूँ, ये 9815099999, इस पे इमिजिएटली कॉल करके अपनी सीट बुक कराएं। और डॉक्टर शर्मा होंगे, डॉक्टर सविता शर्मा जी भी होंगी और इन लोग की टीम आपको पूरा एक दूसरी दुनिया में ले जाएगी, इसका मुझे पक्का यकीन है। और इसीलिए मेरा कुछ प्रोग्राम भी था 15-16 को, वो मैंने आज सुबह ही डॉक्टर साहब से बात हुई तो मैंने कहा कि मैं तो आ रहा हूँ क्योंकि मैं आई कांट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। सो डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच, बिफोर आई लेट यू गो कुछ एक एक मिनट का अगर आप लोग कह दें कि हम लोग किस वे में इस चीज से लाइफ लॉन्ग सारी जिंदगी, वैसे तो सब समझ गए हैं लेकिन एक एक मिनट मैं फिर से दूंगा कि एक बार टू सम अप, स्टार्टिंग विद डॉक्टर एन के शर्मा जी। दोस्तों
आप इस संसार में आए हो और आपके खाली एक दो ही पंखुड़ियां खोल के अगर संसार से चले जाओगे ना तो आप आधे अधूरे रह जाओगे। इसीलिए हमारे सारे वर्कशॉप का एक ही प्रयास है कि आदमी कितनी मैक्सिमम अपनी सारी पंखुड़ियां खोलें और अपनी सुगंध संसार को देकर जाएं और खुद भी खेलने का मजा लेकर जाएं इस तरह से, और स्वयं का गुरु बने, अपने पंख पहचाने, अपने आकाश को खोजें और अपने जीवन का भाग्य विधाता बन जाए। बस हमारा पर्पस यही है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। यस डॉक्टर साहब, आपके विचार लास्ट में जाते हुए। बहुत बढ़िया। तो ये डॉक्टर शर्मा साहब ने सब कुछ बोल दिया, उनके बोलने के बाद कुछ बोलना बचता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं दर्शकों को ये जरूर बताना चाहूंगा दैट आप आइए, हमसे जुड़िए, बिकॉज हमारा पर्पस बहुत डिफरेंट है। हम असरकारी वे से काम हम ये कर रहे हैं, वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग हेल्थ। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, इसके लिए अल्मा आटा डिक्लेरेशन जो 1978 में WHO ने किया था दैट हेल्थ फॉर ऑल बाय 2000, क्या 2000 तक सबको हेल्थ मिल गया? तो ये डिक्लेरेशंस और ये इंफ्रास्ट्रक्चर से नहीं होगा, ये घर घर पहुंचाने वाली बात है, तभी हम हेल्दी हो पाएंगे। तो स्वस्थ भारत करने के लिए हमारे जितने भी स्टूडेंट्स आएंगे वो हमारे ब्रांड एम्बेसडर्स होंगे, वो दो लोगों को या 10 लोगों को और हील करेंगे ताकि हम स्वास्थ्य घर घर तक पहुंचा सकें। ये सपना है हमारा, आप आए हमारे सपने से जुड़े, उसको साकार करें, मैं यही चाहूंगा। और इसी के साथ मैं डॉक्टर एनके शर्मा का बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा और अजीत जी आपका बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने ये होस्ट किया, सभी लोगों को बताया, सारे डिस्क्रिप्शंस बॉक्स में है, हमें आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि जो लोग इस बार नहीं आ पाए, हम रिस्पॉन्सेस देखेंगे, हम फिर नेक्स्ट टाइम प्लान कर सकते हैं और फिर नेक्स्ट टाइम डॉक्टर एनके शर्मा को रिक्वेस्ट कर सकते हैं इसी लोकेशन पे, डिफरेंट लोकेशन पे, ये सारा कुछ हम तय कर सकते हैं। तो आप अप्लाई करिए एंड ये आश्वस्त रहिए दैट वी विल ट्राई टू टेक एज मच एज पॉसिबल, एज मैक्सिमम लोगों को हम अकोमोडेट कर पाएंगे, हम जरूर करेंगे। थैंक यू डॉक्टर साहब, दोनों लोग आए और मेरे को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ, जैसा मैंने शो के शुरुआत में बोला था कि आई गॉट द बेस्ट सीट, आप लोगों को देख के आप लोगों से सवाल अपने हिसाब से पूछ पाए, तो मैं बहुत खुद लाभान्वित हुआ। थैंक यू सो मच। सो आप थैंक यू। तो दोस्तों आज का प्रोग्राम कैसा लगा, प्लीज तीनों चैनल के दर्शक प्लीज कमेंट करिए और इमीडिएटली अगर आप लोग चाहते हैं तो नंबर दिया हुआ था 981 अभी भी दिया हुआ 1509999 बुक कराइए, अपना सीट बुक करिए और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक और मैसेज जरूर पहुंचाइए, ईच वन हील वन, और लोगों तक हमने फ्री का मैसेज है, जरूर हम लोगों ने भारत को केमिकल फ्री वर्ल्ड बनाना है और आगे बढ़ना है। सो इस प्रोग्राम के बारे में कमेंट जरूर करिएगा कि कैसा लगा, आगे और आप लोग चाहते हैं ऐसा प्रोग्राम, तो वी विल ब्रिंग मोर सच प्रोग्राम्स। थैंक यू सो मच। जय हिंद, स्वस्थ भारत, स्वस्थ हिंद, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं